देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं सिरोही से प्रदीप कुमार प्रजापति, हम खड़े हैं सिरोही तहसील के ग्राम पंचायत अनूपपुर के ग्राम दुसल्ला अवेराज में। यहाँ पर लगभग 10 वर्षों से प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, और लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर बिल्डिंग विहीन है। भाजपा सरकार एक तरफ तो विकास का पर्व मना रही है, लाखों और करोड़ों रुपये शिक्षा विभाग पर खर्च किए जाते हैं, मगर यहाँ की जो हकीकत है, हमारे कैमरामैन आए और हमारी बिल्डिंग के जो अंदर की कंडीशन है वो बताएं कि क्या कंडीशन है। ये अंदर से पूरी टूटी हुई है और यहाँ पर जो बिल्डिंग है लगभग 10 वर्षों से यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। और यहाँ पर इस स्कूल में 54 बच्चे दर्ज हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यहाँ पर बच्चे दर्ज हैं। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है इसकी कईयों बार ग्रामीणों द्वारा और जनप्रतिनिधि को शिकायत कर चुके हैं और शिक्षा विभाग को भी कर चुके हैं, मगर प्रशासन द्वारा यहाँ पर आज तक ना तो कोई बिल्डिंग स्वीकृत की गई और ना तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई देखने आया। हमारे साथ ग्रामीण है लखन सिंह दांगी जी, जिनके घर में दहलान में स्कूल संचालित होता है, हम उनसे चर्चा करेंगे। दादा क्या है पूरा मामला, इसको बताएं थोड़ा सा। कई बार तो इसकी शिकायत कर दी, आज से 10 साल से लगभग दहलान में स्कूल लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती, गटर में डाल देते हैं अधिकारी वगैरह। अच्छा, इसके जो सरपंच वगैरह उनसे आपकी कोई शिकायत वगैरह? सरपंच से भी कई बार शिकायतें हुई, जब भी आते हैं, जब भी बोलते हैं भाई इसकी देख कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, वही सुनते। अभी जो स्कूल जो संचालित हो रहा है वो आपकी दहलान में हो रहा है, लोगों ने बताया? जी, हमारी दहलान में हो रहा है। तो जैसे कोई पानी वगैरह कोई परेशानी आती है उस टाइम बच्चों को क्या परेशानियाँ झेलना पड़ती है? बहुत फिर भींगते हैं, एक कोर में बेचारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जहाँ टपकता है वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा की बदहाली किस तरीके से। हमारे साथ और भी हैं ग्रामीण जो अभी खेती का काम चल रहा है, जिस पे दवाई छिड़कने के लिए जा रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। एक को भैया, आप क्या नाम है और आपका यहाँ पे कब से रहते हैं? मेरा नाम शिवम जाटव है, यहाँ से बचपन से रह रहा हूँ। तो आप इस स्कूल में पढ़े हैं क्या? जी, इस स्कूल में पढ़ा हूँ। तो ये जिस टाइम हम भी पढ़ते थे ना, तो इस साइड हम जाते नहीं थे कभी, पहले कई बार कई सालों से घिरा हुआ है मन स्कूल। तो लगभग कितनी वर्ष से हो गई यहाँ पे ये स्कूल की बिल्डिंग को हालत? जैसे 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गए उसको। ये हमारे भाई हैं शिवम भाई, इन्होंने बताया कि 4-5 साल हो चुकी हैं, और लगभग जो 10 साल यहाँ का जो अनुमान है, 10 साल से यहाँ पे ये बिल्डिंग विहीन है। इस तरीके से कई मामले हैं जो मध्य प्रदेश में और सिरोही लटेरी विधानसभा में, कई जगह स्कूल बिल्डिंग विहीन है। शिक्षा के हाल सिरोही से पब्लिक लाइव से प्रदीप कुमार प्रजापति।